हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर में ORM 2 का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 14 है, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HCl प्रोसीड्स वाया द एडिशन ऑफ। तो प्रोपीन आपके पास अल्कीन है और इसका रिएक्शन HCl से करवाते हैं। तो हम बताए थे कि ये एक्चुअली में तो एसिड होता है, एसिड होता है तो एच प्लस प्लस ओ सी एल माइनस के फॉर्म में ब्रेक करेगा, लेकिन ये जब डबल बॉन्ड के अलोंग रिएक्शन करता है तो आप इसको इस तरह से समझिए कि ये OH माइनस और Cl प्लस के फॉर्म में ब्रेक करता है और Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो एडिशन मैकेनिज्म में आपका Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है तो उसके बाद कार्बोकेटाइन बन जाता है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज पे OH माइनस अटैक कर देता है। तो फर्स्ट स्टेप में Cl प्लस अटैक करेगा, तो आपका आंसर बी होगा। एक्चुअली में ये बनता कैसे है, जब ये HCl एसिड है H प्लस और OCl माइनस में ब्रेक करेगा तो OH माइनस और Cl प्लस कैसे बनेगा। तो एक्चुअली में 2 मोल HCl का सेल्फ आयोनाइज होके H2O प्लस OCl माइनस प्लस Cl प्लस बनाता है, तब आपका इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस यहाँ अवेलेबल हो गया और ये रिएक्शन करता है फर्स्ट स्टेप में। तो आप सिंपल ट्रिक जो बताए थे कि ये इस तरह से डिकम्पोज, आप मान लीजिए कि ऐसा डिकम्पोज करता है, उससे भी आपका आंसर हो जाएगा कि Cl प्लस अटैक करेगा, और नहीं तो सेल्फ आयोनाइजेशन से जो एक्चुअल रीजन है क्यों अटैक करता है, तो किस तरह से Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो भी बता चुके हैं, किसका 2 मोल से आयोनाइज हो जाता है सेल्फ आयोनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले तो देखिए, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिस केस में बेंजीन रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगा तो ज्यादा रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज पे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज अटैक करेगा, तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवाना है। तो ये तो बेंजीन है, इस केस में CH3 प्लस आई लगाएगा, Cl माइनस आई लगाएगा, तो माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से भी कम हो जाएगा, और टोलुइन के केस में बेंजीन से ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके बाद NO2, तो NO2 तो माइनस आई माइनस एम दोनों लगाएगा, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, तो Cl से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा इस केस में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस बेंजीन रिंग ये सेकेंड है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला ग्रुप नहीं है, तो डिक्रीज करने वाला भी ग्रुप नहीं है, इन दोनों केस में डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो रिएक्टिविटी भी कम होगा। इसके बाद इन दोनों में इसका चौथा नंबर जो है फोर्थ, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई माइनस एम दोनों लग रहा है, इस केस में माइनस आई और प्लस एम लगता है लेकिन डोमिनेटिंग माइनस आई होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा लेकिन NO2 के रिस्पेक्ट में कम डिक्रीज करेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा फोर्थ से, तो उसके बाद फिर थर्ड और फिर फोर्थ, तो 2 1 3 4 ऑप्शन सी, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास अल्काइन है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Hg2+ और एसिडिक मीडियम में, तो ये एक्चुअली में हाइड्रेशन होगा और हाइड्रेशन के लिए Hg2+ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, H+ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा, डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है इसके लिए, ये जो H+ एसिडिक मीडियम है, तो H और OH अटैच होता है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैक करेगा, तो कहाँ पे लगेगा, अगर यहाँ पे H लगता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर यहाँ पे H लगेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कहाँ पे लगेगा आप बताइए, अगर यहाँ पे H लगता है तो यहाँ प्लस आएगा और ये एक बॉन्ड हट जाएगा तो 2 बॉन्ड ही बचेगा। अब ये प्लस जो है बेंजीन के साथ कंजुगेशन में होगा तो बेंजीन इसको स्टेबलाइज करेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस आई से स्टेबलाइज होगा, तो बेंजीन प्लस में लगाएगा तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। उसके बाद OH यहाँ अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन पे, ये पॉजिटिव चार्ज पे, तो यहाँ से OH अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट, फिर से डबल बॉन्ड है तो अल्काइन से अल्कीन बन गया, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, तो फिर से H और OH लगेगा, तो यहाँ से H लगेगा तो डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चल जाएगा। इस केस में बेंजीन का तो कंजुगेशन होगा सो होगा ही, OH का प्लस में भी लग रहा है, ऑक्सीजन डायरेक्ट अपना लोन पेयर दे रहा है, तो और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहीं पे बनेगा इस केस में भी। अब ये डबल बॉन्ड भी हट गया, फिर से एक OH लग जाएगा यहाँ, तो PH नेक्स्ट कार्बन से 2 OH और
सिंगल बोन, इसे दो हाइड्रोजन CH2 और CH3। अब एक पॉइंट आपको पता होगा कि एक कार्बन से दो OH अनस्टेबल, तो -H2O होगा तो C डबल बोन्ड O हो जाएगा, तो PSC डबल बोन्ड O CH2 और ये CH3 है, यहाँ CH3 है, ये CH3 होगा, तो PSC डबल बोन्ड O CH2 CH3 प्रोडक्ट A बनेगा, ये आपका A है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट, इस कार्बन से डबल बोन्ड ऑक्सीजन लगाया, मतलब इस कार्बन से OH अटैच किया, जो कि गलत है, कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग जो है वो प्लस एम से स्टेबलाइज करेगा, तो यहीं पे प्लस बनेगा, तो डबल बोन्ड भी यहीं से अटैच होगा, इस कारण से नहीं होगा। नेक्स्ट सी डी में तो एक ही बार रिएक्शन करवाया, सिर्फ ट्रिपल बोन्ड से डबल बोन्ड, यहाँ एक एच और यहाँ एक OH लगा दिया, जबकि ये फर्दर रिएक्शन करेगा, तो सी और डी तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे OH लगाया, इस केस में यहाँ पे लगा दिया, बस यही डिफरेंस है, तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ए है। इसके बाद नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एसिड केटलाइड हाइड्रेशन ऑफ टू फिनाइल प्रोपीन इज, तो टू फिनाइल प्रोपीन 1, 2, 3 कार्बन डबल बॉन्ड है और सेकेंड से बेंजीन रिंग अटैच्ड है पीएच। अब इसका एसिड केटलाइड हाइड्रेशन हो रहा, मतलब डाइल्यूट H2SO4 या फिर H3O+ बोल सकते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में, तो H+ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो कहाँ पे अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए, तो यदि यहाँ से H अटैच होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि यहाँ H होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा बेंजीन रिंग से, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, तो बेंजीन का प्लस में लगेगा, सिमिलरली CH3 का प्लस आई भी लगेगा, तो दो दो कारण से स्टेबलाइज होगा, लेकिन यदि यहाँ पे रहेगा तो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में नहीं रह पाएगा, तो स्टेबलाइज नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन यहीं पे अटैच होगा, तो OH, तो पॉजिटिव चार्ज पे OH अटैच हो जाएगा नेक्स्ट, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, तो इस तरह से हाइड्रेशन H2O एड होगा, तो आपका CH3 कार्बन OH और यहाँ पे CH3 और PH, तो ये डबल बॉन्ड CH2 होता, क्योंकि एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन रहेगा, जब हाइड्रेशन होगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो 2+1 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका नाम क्या होगा, तो 1, 2, 3, तो 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ओल, तो 2-फिनाइल प्रोपेन 2-ओल, मतलब सेकेंड से ही OH ग्रुप अटैच रहेगा, तो ऑप्शन सी होगा। डी ऑप्शन में देखिए, 1 पे OH, मतलब बोल रहा है यहाँ पे OH और यहाँ पे H हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कार्बोकेटायन यहाँ पे स्टेबल बनेगा। 17 के बाद 18 क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेंड व्हेन Br2/Fe इज ट्रीटेड विद दिस, तो इसका रिएक्शन Br2/Fe से करवा रहे हैं, तो फिर से ब्रोमिनेशन होगा, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा Br2/Fe से, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो बेंजीन रिंग है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस बेंजीन रिंग रहेगा उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो दोनों बेंजीन रिंग से देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ NH ग्रुप अटैच है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में इस बेंजीन रिंग से, तो ये प्लस एम शो कर रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ इस बेंजीन रिंग से कंजुगेशन में है, तो ये माइनस एम शो कर रहा है, पाई सिग्मा पाई, इस तरह से ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है बेंजीन रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो इन दोनों बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंस बेंजीन रिंग ये वाला है, तो ब्रोमिनेशन भी इसी पे होगा, इसी पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होगा, लेकिन ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक है, यहाँ से नेक्स्ट ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक है, तो ये मेटा और ये पैरा, पैरा पे Br अटैच करवा दीजिए, तो आपका ब्रोमीन यहाँ से अटैच होगा। नेक्स्ट, इस बेंजीन रिंग से तो अटैच ही नहीं होगा, बी ऑप्शन, यहाँ से पैरा पोजिशन से नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अटैच हो गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। सी ऑप्शन में मेटा पे कर दिया है, तो मेटा डायरेक्टिंग तो होता ही नहीं है, प्लस एम जब भी होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो ये भी गलत है, और इस बेंजीन रिंग से तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ये ज्यादा एक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो रिएक्शन तो इसी पे होगा, तो आपका ऑप्शन बी बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट जो आपका पूछ रहा है, आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है
आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट पी आइडेंटिफाई करना है। आपके पास प्रोपीन है और इसका रिएक्शन NOCl के साथ करवाते हैं, तो प्रोपीन अल्किन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, तो NOCl, NOCl किस तरह से डिकम्पोज करेगा, NO प्लस Cl माइनस में, तो इलेक्ट्रोफाइल है NO प्लस, तो NO प्लस अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है ये अटैक करेगा, तो या तो इस कार्बन से NO अटैच होगा या इस कार्बन से, तो जब यहाँ से NO अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, जब यहाँ से NO अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यदि लगेगा तो CH3 का प्लस आई लगेगा, उसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो यहाँ से NO लग जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज पे Cl माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से Cl अटैच होगा, तो सेकेंड कार्बन से Cl और फर्स्ट से NO, कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ देखिए यहाँ से CH2 से NO और सेकेंड से Cl, तो आपका बी आंसर होगा 19th का। ये उल्टा कर दिया है, अगर यहाँ पे NO लगेगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, जबकि यहाँ पे NO लगेगा तो यहाँ से 2 डिग्री बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा, और ये 3 पे तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो यहाँ से NO कब से अटैक करने लग गया, कहने का मतलब कि थर्ड से क्लोरीन नहीं लगेगा, हो सकता है इसी को उल्टा करके लिख दिया, ये जो फर्स्ट कार्बन है ये इस तरह से डिनोट कर रहा है, लेकिन अब ये फर्स्ट होगा तो सेकेंड से Cl अटैच होगा ना, जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है रीअरेंज होकर 1 डिग्री तो नहीं बना सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन हमेशा अपने से अस्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होता है, तो ये रीअरेंज करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं लग सकता है, और यहाँ एक ही कार्बन पे दोनों लगा दिया है, ये भी गलत है। इसके बाद 20 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास दो बेंजीन रिंग है और कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कहने का मतलब नाइट्रेशन करवा रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, और बेंजीन रिंग है आपके पास मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो फिर से आपका जो बेंजीन रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगा वहीं पे रिएक्शन होगा। ये एक्चुअली में इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, NH3 डबल बॉन्डो और बेंजीन रिंग, इसमें बस दोनों बेंजीन रिंग को टाई अप कर दिया है नेप्थिलिन में, ऐसा किया है, और इस केस में दोनों बेंजीन रिंग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बात तो वही होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये बेंजीन रिंग को प्लस एम शो करेगा, लोन पेयर इस तरह से कंजुगेशन में है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ सकता है, फर्दर ये कंजुगेशन करेगा तो पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, और सी डबल बॉन्ड हो तो माइनस एम ही लगाएगा कंजुगेशन में है, तो मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले बेंजीन रिंग का बढ़ेगा, तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल भी इसी बेंजीन रिंग पे लगेगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका एक्स का क्या बनेगा जब पैरा पोजिशन पे NO2 लगे, क्योंकि ये इतना भारी भरकम ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप और NO2 के बीच में रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, तो पैरा पोजिशन पे NO2 लगेगा वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। अब ऑप्शन आप देख लीजिए, इस बेंजीन रिंग से NO2 लगा दिया है, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, इसमें इस वाले NH ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे NO2 लगाया है, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके बाद इधर तो NO2 लग ही नहीं सकता है, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे लगाया है, तो प्लस एम शो करेगा, तो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो डी भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है पिछला, मतलब एक और जो क्वेश्चन था पीछे के पीछे सेकंड नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन, उसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, आंसर बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेंड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन इज, तो आपके पास ट्रांस ब्यूटीन है मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ट्रांस पोजिशन पे मतलब डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड जो है दो मिथाइल ग्रुप होगा, या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही बोल सकते हैं, तो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड दोनों हाइड्रोजन होगा। अब ब्रोमिनेशन करवाना है, तो ये बात तो पता होगा कि ब्रोमिनेशन जो है एंटी एडिशन होता है, तो सबसे पहले इस ट्रांस स्ट्रक्चर को थोड़ा घुमा के लिखिए, इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख दिए और एक तरफ हाइड्रोजन दूसरे तरफ CH3, और इसके ट्रांसपोजिशन पे मतलब अपोजिट तरफ CH3 होगा और हाइड्रोजन भी एक दूसरे के अपोजिट तरफ। अब ब्रोमीन अटैक करेगा, एक ब्रोमीन यहाँ से एक ब्रोमीन यहाँ से, तो सावहोर्स प्रोजेक्शन बनेगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन से ब्रोमीन, एक ब्रोमीन को ऊपर से अटैच करवा दीजिए,
ये दोनों बॉन्ड थोड़ा सा नीचे झुकेगा, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में CH3 है तो लेफ्ट हैंड साइड में CH3 अटैच कर दीजिए। अब ऊपर से अटैच किया तो दूसरे में नीचे से करेगा क्योंकि एंटी एडिशन होगा, तो नीचे से ब्रोमीन, तो ये दोनों बॉन्ड थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, जैसे ये दोनों नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ से प्लेनर था ना, प्लेनर से sp3 हुआ तो 109 डिग्री बॉन्ड एंगल बनाना है, ये ऊपर की तरफ, लेकिन राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में CH3, और ये हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन। अब ये सावहॉर्स प्रोजेक्शन बन गया प्रोडक्ट का, तो इसमें आप देख लीजिए POS या COS पेडियंट है क्या, अगर एक भी पेडियंट रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो एक भी स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चेक कर दीजिए। इसमें देखिए COS आपको दिख जाएगा, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे अपोजिट तरफ जा रहे हैं तो सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, CH3 सेम ग्रुप, इस तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नीचे BR तो सेम डिस्टेंस में अपोजिट तरफ, ऊपर भी BR, तो COS पेडियंट है। और इसका जब आप इस बॉन्ड को रोटेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि POS भी इसमें पेडियंट है, मतलब POS COS पेडियंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो एक ही आइसोमर पॉसिबल होगा। ऐसे भी हम बहुत बार बता चुके हैं कि ट्रांस के केस में एंटी एडिशन होता है तो मीजो प्रोडक्ट बनता है, सिस के केस में एंटी एडिशन होता है तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर बनता है, मतलब दो प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली इसका उल्टा हो जाता है, अगर ट्रांस के केस में सिन एडिशन होता है मतलब सेम साइड से एडिशन होता है तो ऑप्टिकल आइसोमर बनता है तो दो प्रोडक्ट होता है, और सिस के केस में सिन एडिशन होता है तो मीजो प्रोडक्ट बनता है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होता है इस केस में। तो यहाँ ट्रांस और एंटी एडिशन हो रहा है, ब्रोमिनेशन में एंटी एडिशन होता है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से आप ध्यान भी रख सकते हैं, नहीं तो मेथड तो हम बता ही चुके हैं पहले भी, यहाँ भी एक बार डिस्कस कर दिए। इसके बाद द कंपाउंड PQ and S, PQS दिया हुआ है, वेयर सेपरेटली सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन यूजिंग HNO3 ऑब्लिगेट टू SO4 मिक्सचर, द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन ईच केस रिस्पेक्टिवली इज, तो सबका सेपरेटली नाइट्रेशन हो रहा है, तो फिर से नाइट्रेशन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल एड होगा, तो इस बेंजीन रिंग से दो ग्रुप अटैच है OH और COH, लेकिन COH डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में लगता है, तो OH के रिस्पेक्ट में लगेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, लेकिन पैरा पोजिशन ब्लॉक है तो ऑर्थो पोजिशन पे NO2 लगेगा, तो P के केस में OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे NO2 लगेगा, यहाँ पे CH3 और OCH3, OCH3 प्लस में लगाएगा, CH3 प्लस आई लगाएगा, तो दोनों एक्टिवेटिंग है, लेकिन ज्यादा एक्टिवेटिंग OCH3 है क्योंकि ये प्लस में लगाता है, OCH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे NO2 लगेगा, तो यहाँ NO2 लग जाएगा। यहाँ दो बेंजीन रिंग है, सी डबल बॉन्ड O और O, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और सी डबल बॉन्ड O माइनस में शो करेगा इस तरह से, तो ये डीएक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग हो जाएगा, ये प्लस में शो करेगा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देखे तो ये एक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग हो जाएगा, तो NO2 इस ऑक्सीजन के पारा पोजिशन पे लगेगा मेजर प्रोडक्ट के लिए, तो आपका पहले में OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन होना चाहिए, और इसमें OCH3 के रिस्पेक्ट में, और इसमें सी डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन जिस बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है उसके पारा पोजिशन पे NO2, तो देख लीजिए OH के रिस्पेक्ट में NO2, यहाँ CH3 के ऑर्थो पोजिशन पे लगा दिया है तो गलत है। नेक्स्ट यहाँ OH के रिस्पेक्ट में NO2 मेटा पोजिशन पे है, गलत है, COH के ऑर्थो पोजिशन पे है। यहाँ OH के रिस्पेक्ट में NO2 सही बात है, OCH3 के ऑर्थो पोजिशन पे NO2 है सही बात है, और ऑक्सीजन जिस बेंजीन से कनेक्टेड है उसके पाया पोजिशन पे NO2, तो ये तीनों प्रोडक्ट राइट है, तो आंसर सी हो जाएगा। डी ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए, तो ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के मेटा पोजिशन पे लगा दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इस कारण से डी ऑप्शन गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, RCH2OH का रिएक्शन करवा रहे हैं इससे, H+ एनहाइड्रस भी है आपके पास, तो RCH2OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और डबल बॉन्ड के लोन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो H+ अटैक करेगा, तो अगर यहाँ से H+ अटैक करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यदि यहाँ से H+ अटैक करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कार्बोकेटायन जहाँ स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहाँ से H+ होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस केस में ये स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, क्यों,
क्योंकि इस प्लस चार्ज को ऑक्सीजन अपना प्लस एन से स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। उसके बाद R2H ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो यहाँ से ऑक्सीजन और ये H और CH2R अटैक हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी स्टेबलाइज करने के लिए अपना H प्लस रिलीज कर देगा, तो इस कार्बन से OCH2R अटैच हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन से OCH2R, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक्चुअली में एक कार्बन से दो OR ग्रुप अटैच है, OR, तो ये एसीटल का लगता है एक कार्बन से दो OR, अगर एक कार्बन से OH और OR रहता तो हेमी एसीटल का लाता, तो इस केस में तो एसीटल होगा। ईथर के लिए ROR ग्रुप मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ कार्बन से दो है तो ROR नहीं है ये एक्चुअली में। ईस्टर, तो ईस्टर भी पता है R C डबल बॉन्ड OR, तो ये भी नहीं है, तो आंसर बी होगा, एसीटल फॉर्म होगा इस केस में। अब अगले लेक्चर से वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप सेक्शन डी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।